नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसके में। दोस्तों, आज हम SSC CGL 24 अगस्त 2021 के जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था टाइम एंड स्पीड का, उसका हम इजी सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 45 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस बी एट द सेम टाइम। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 4.5 hours एंड इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 27 minutes। वॉट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द कार विच मूव्स फास्टर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार जो थी, एक्स मान लो आप, चाहे जो भी मानना हो आपको, तो वो जो दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और जो पॉइंट है वो बी, इन दोनों पॉइंट, जो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर। क्वेश्चन कह रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस बी एट द सेम टाइम। मतलब एक ही समय पे ए जगह से भी एक कार निकलती है और बी से निकलती है। अगर इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब ए भी यहाँ इस साइड जाएगा बी की तरफ और बी भी ऐसे जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि उनको 4.5 hours लगते हैं। 4.5 hours का मतलब क्या हो गया, 4.5 hours इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है इसको कितने घंटे लगते हैं, 9/2 hours लगते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम देखें कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में स्पीड, रिलेटिव स्पीड में, सेम डायरेक्शन में क्या होता है कि स्पीड का डिफरेंस हो जाता है। तो अगर हम देखें कि बी वाले की स्पीड और ए वाले की स्पीड, अगर ए वाले की स्पीड को मैंने एस ए माना और बी वाले की स्पीड को एस बी माना, तो दोनों का डिफरेंस, जो स्पीड का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, स्पीड का डिफरेंस आएगा डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितनी थी, 45 ओवर टाइम कितना लगा था उसको, 9/2, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। अगर जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, ये 10 आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस आ गया। ऐसे ही जब ये क्या करेंगे, ए बी की तरफ चलेगा और बी ए की तरफ चलेगा, तब इनकी स्पीड का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा दोनों का, तो क्या हो जाएगा, एस ए और प्लस एस बी इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस तो वही है लेकिन अब इसको समय कितना लग रहा है, अब इसको समय लग रहा है 27 मिनट। तो 27 मिनट को अगर मैं घंटों में बदलूँगा तो 60 का डिवाइड करूँगा, अगर मैं यहाँ 60 का डिवाइड करूँगा तो ये 60 के कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको काटूँ तो 9 से काट दूँ, तो 9 3 27 और 9 9 45, और फिर इसको काटा फर्दर मैंने, कितना बार जाएगा, 20, तो ये आ जाएगा मेरा 100, तो ये मेरा कितना आया, 100 किलोमीटर पर आवर। अब आप चाहेंगे जब भी ऐसे इक्वेशन दी रहती हैं तो हमें जो प्लस वाला ए की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2। तो एस ए हमारा कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम कर लो, 10 और 100 110 110 बटे 2 कितना आ जाएगा, 55, ये 55 आ जाएगा, 55 किलोमीटर पर आवर। ये एस ए की स्पीड आई, एस बी की स्पीड क्या आएगी, एस बी की स्पीड आएगी इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 90/2 / 2, तो ये आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इसमें फास्टर कौन सी है, 55 वाली, तो उसने फास्टर की स्पीड ही पूछी है, तो क्या हो जाएगी, 55, तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।